स्कूल की बढ़ती फीसों को लेकर अब शिक्षा विभाग भी चौकस हो गया है और जल्द ही वे निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की रणनीति बना रहा है। शिक्षा विभाग की माने तो जो स्कूल नियमों की अवहेलना कर रहा है उसे नियमों की पहली जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और अगर वे फिर भी नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो विभाग उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। विभाग ने सभी निजी स्कूलों से सूचना मांगी है कि वे अपने फीस स्ट्रक्चर की जानकारी दें और जो आपत्तियां परिजनों ने शिक्षा विभाग में दर्ज करवाई हैं उसकी सफाई दें। शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बढ़ी हुई फीसों और अनियमितताओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई स्कूलों को अभी तक राइट टू एजुकेशन एक्ट की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें जल्द ही इस नियम से अवगत करवाया जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी स्कूल नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अभी तक दो स्कूलों के परिजनों से लिखित शिकायतें मिली हैं जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जहाँ तक ये प्राइवेट स्कूलों की बात है, इनका हम सारा रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये जो है, जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन पे ये खरे उतरते हैं कि नहीं। तो हमने इनसे रिकॉर्ड तलब किया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमसे इनसे पूछा हुआ है, तभी जाकर के इनको रिन्यूअल और एनओसी दिया जाएगा जब ये उन सभी नॉर्म्स को जो सरकार ने एक्ट में प्रावधान किए हैं अगर उनको ये पूरा कर पाएंगे। इस बात का संज्ञान लिया जा रहा है, उनसे सारा रिकॉर्ड तलब करके इसमें हमारी जो है टीम्स जो है वहाँ पर स्कूल में जा करके भी उसको देख रही है और इससे हम सरकार को अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अवगत करवाएंगे और उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करके शीघ्र जो है उन पे ठोस कदम और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक दो स्कूलों के हमारे पास कोई जो पेरेंट्स ने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि इन पे आप कार्रवाई करें, तो ये हमारे जिला जो प्रशासन है उनके संज्ञान में भी है और हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है कि ये अतिशीघ्र बात करें और पेरेंट्स से बात करें और जो उनके समस्याएं हैं उनको सुनें।